हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SFTA इंडिया। सूर्यांश फिनेंस ट्रेडिंग एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को वीकली एक्सपायरी यानी 8 अक्टूबर का जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ। आप लोग जो वीकली का जो लेवल दिया गया है हर लेवल के ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। फिर भी मैं आप लोग को कल का मार्केट यानी ट्यूजडे का मार्केट जो 6 अक्टूबर का मार्केट है कैसा काम होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन सा रणनीति के अंदर ये मिडिल रेंज के अंदर काम होगा उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का इंट्राडे ट्रेडिंग क्या था और मेरा स्टूडेंट लोग कौन सा ट्रेड लिए थे और कैसा प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर एक बार एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग कल का निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। और जैसे मैं आप लोग को बोला हूँ, दिवाली स्पेशल ऑलरेडी जो दिवाली के लिए मैं आप लोग को दिया था, IB वेंचर्स, DBC लैब, लुपिन, ये सब तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ चुके हैं। फिर भी ये प्रॉफिट हो जाने के बाद मैं आप लोग को दिवाली स्पेशल 2 यानी और 3-4 ट्रेड दिवाली के लिए दूंगा। आप देखोगे IB वेंचर ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, आई थिंक लुपिन आज भी प्रॉफिट, DBC लैब आज भी आई थिंक प्रॉफिट हो चुका है। ओके दोस्त, तो आप लोग स्विंग ट्रेड करके भी पैसा कमाओगे और मेरा दिवाली स्पेशल का जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आप लोग उम्मीद करता हूँ पैसा कमाए होंगे। वो सेकंड पार्ट के लिए इंतजार करिए, जल्दी आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज मेरा स्टूडेंट लोग बहुत सारे पैसा कमाए हैं। कैसे पैसा कमाए हैं मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, उसके साथ हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का प्रेडिक्शन करेंगे। मैं अभी ले चलता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ने अपना प्रॉफिट स्लॉट भेजा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में मेरा एक स्टूडेंट 22,700 का कॉल बाय करके 1,000 रुपया को मुनाफा कमाया। TCS में 1,300 एक कॉल लिया था, अगेन TCS में 1,500 का। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट ऑल्सो लेके 2,000 रुपया कमाया था और TCS का एक कॉल लेके 24,000 यानी 25,000 कमाया। तो टोटल अगर आप मिलाओगे एक स्टूडेंट का प्रॉफिट ये 30,000 रुपीज। आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्टूडेंट का मेरा प्रॉफिट ये 30,000 रुपीज। और बहुत सारे स्टूडेंट आज मेरे कहने का मुताबिक वो लोग भी अपना प्रॉफिट स्लॉट शेयर किए, मैं वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। आप आ जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यहाँ पे देखिए एक मेरा स्टूडेंट है, देखिए ये 19,890 रुपीज का प्रॉफिट किया है। आज वो कितना किया है आप आज का डेट देखिए, यहाँ पे वो आज का डेट है, आज टूडे है। देखिए दोस्त, ये 19,890 रुपीज का प्रॉफिट किया है ये एक स्टूडेंट है। अनदर स्टूडेंट के पास ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट है 36,130 का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक स्टूडेंट है 36,130 का प्रॉफिट किया है। और एक स्टूडेंट के पास ले चलता हूँ, यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट ने 22,620 का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे देखिए 22,620। और यहाँ पे भी मेरा एक स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्टूडेंट ने प्रीवियस फ्राइडे में 13,500 का प्रॉफिट किया था। आज देखिए एक स्टूडेंट ने आज 23,400, 12,700 यानी 36,000 अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट किया है। देखिए कैसे स्टूडेंट लोग पैसा कमाते हो, मेरे को व्हाट्सअप में दो प्रॉफिट स्लॉट भेजते हैं। दोस्त आप लोग भी मेरा लेवल के अंदर अगर पैसा कमाते हो प्लीज आप लोग का प्रॉफिट स्लॉट मेरे साथ शेयर करिए, तो हम लोग मिलकर पैसा कमाएं। ठीक है दोस्त, ये देखा आज मेरा स्टूडेंट लोग कैसे भरपूर पैसा कमाया। आज सब 30,000, 35,000, 15,000, 20,000 सब आदमी कमाए हैं। अगर आप कमाना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, हम लोग पूरा पैसा कमाएंगे। चलिए दोस्त, दिखाया मैं आप मेरा स्टूडेंट लोग का प्रॉफिट का स्लॉट। चलिए मैं आप लोग को ले चलता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का रणनीति के लिए। तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप लोग एनालिसिस करेंगे, जो भी लेवल वीकली दिया था वो अच्छा काम हुआ है दोस्त। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आप लोगों को भी ट्रेडिंग अच्छा ट्रेडिंग मिला है, तो जो लेवल दिया था वो लेवल के अंदर उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा से काम किए। चलिए कल का मार्केट के लिए निफ्टी में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 लेवल मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, 11,620 और एक 11,600 और एक लेवल है 11,510 अनदर लेवल है 11,425। तो ऐसी सेम सिनारियो है दोस्त, ग्लोबल मार्केट देख लीजिए, XGX निफ्टी और
डाउ फ्यूचर देख लीजिए, वहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो अपना मार्केट पॉजिटिव होगा, वहाँ पे नेगेटिव होता है तो हमारा मार्केट नेगेटिव होगा। चलिए जो भी सिनारियो बनता है उसी सिनारियो के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं। तो दोस्त मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार हमारा मार्केट, अगर हम लोग बाइंग साइड में पहले देखेंगे कैसे कहाँ पे बाइंग आएगा, तो कैसे हमारा बाइंग आएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 11,425 कितना है दोस्त, 11,425। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो आपको 11,425 के ऊपर एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन करेगा, एक यू कर्व बनाएगा, आपको यहाँ पे बाय करना है। तो आपके लिए पहला टारगेट होगा 11,510, 11,600। क्लियर है दोस्त, बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट पूरा गैप अप होता है, 100 से 150 पॉइंट गैप अप होता है, यानी 11,620 के ऊपर गैप अप होता है, तो निफ्टी में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी 11,620 के ऊपर मिलेगा। तो सेलिंग के लिए दोस्त कहाँ पे आप करोगे, अगर मार्केट फ्लैट रेंज में ओपन होके एक यू कर्व बनाता है 11,510 के नीचे, अगर मार्केट एक रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन करके आ जाता है तो यहाँ पे आप सेल करिए, तो आपके लिए टारगेट रहेगा 11,425। और अनदर सेल कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे दोस्त 11,600 के नीचे अगर मार्केट आपको मिलता है, यू कर्व बनाता है, फिर आप यहाँ से सेल करिए। क्लियर है दोस्त, निफ्टी में, निफ्टी में 11,425 के पास अगर यू कर्व बनाता है तो बाय करिए, यानी 11,620 के ऊपर बाय करिए। और सेलिंग साइड में 11,600 के नीचे सेल करिए, तो अगर यू कर्व बनाता है, मार्केट पहले जोन के अंदर जाता है फिर गिरता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं तो 11,510 के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। अगर आप 11,510 के ऊपर कुछ 15 मिनट तक ग्रीन कलर कैंडल करके रुक जाता है, तो यहाँ से आप के शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, मतलब कि आधा घंटा के लिए बाय कर सकते हैं 40-50 पॉइंट के लिए, तो 11,600 आपके लिए टारगेट रहेगा। ये हो गया निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी में सेम लॉजिक है दोस्त, और सेम लेबुल है बैंक निफ्टी के अंदर, तीनों लेबुल है। आपको अगर मार्केट गैप डाउन मिलता है, अब बैंक निफ्टी में एक यू कर्व बनेगा 22,150 के ऊपर, आप एक ग्रीन कलर कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो आप एक बार बाय करिए, यू कर्व का टेक्निक यूज करिए। अगर आपको ऊपर की दिशा तक मिलता है तो आप एक बार यहाँ पे देखिए 22,575, मार्केट अगर ये फ्लैट रेंज में ओपन हो गए 22,575 के नीचे आपको एक बार मिलता है रेड कलर कैंडल फॉर्मेशन करके, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, तो आपको 22,150 का टारगेट रहेगा। अगेन भी 22,150 से बाय करिए 22,575, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। अगर मार्केट एक ग्रीन कलर कैंडल करके कुछ देरी तक इसके ऊपर रुक जाता है तो आप यहां से बाय कर सकते हैं, आपके लिए एक छोटा टारगेट है 22,875। अगर मार्केट पूरा मतलब नहीं लग रहा है इतना बड़ा गैप अप होगा तो यही होगा, अगर 22,875 के पास जाके भी मार्केट ऐसे यू कर्व बनाता है, एक छोटा सा रेड कलर कैंडल बना के नीचे की तरफ आने के लिए कोशिश करता है, तो आप 22,875 के पास सेल कर सकते हैं। तो दोस्त आपके लिए तीनों लेवल है जो जहां पे आप बाय कर सकते हो। तो एक तो आपको गैप डाउन मिलने से 22,150 के ऊपर यू कर्व के साथ बाय कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा गैप अप मिलता है 22,575 के ऊपर, 15 मिनट मार्केट रुकता है, तो आप 22,875 तक जा सकते हो बाय करके। सेल साइड में अगर 22,575 के नीचे आपको मिलता है तो आप यहां से सेल कर सकते हो 22,150 तक, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बोथ साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ज़्यादा गैप अप होता है, मार्केट उछल के ऊपर की तरफ जाता है, 22,875 के पास आप यू कर्व के साथ सेल कर सकते हैं। दोस्त मैं मेरा स्टूडेंट लोग का प्रॉफिट स्लॉट तो शेयर किया, निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दे दिया, जो वीकली जो मैं दिवाली बम्पर चला रहा हूँ, दिवाली बम्पर के अंदर आप लोग ऑलमोस्ट 2 स्टॉक में के अंदर टारगेट आ चुका होगा, आप लोग भी अच्छा पैसा कमाए होंगे। मेरे को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आप जो नया मेंबर्स हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो पुराने बंदे हो आप लोग का फ्रेंड्स को जुड़ाइए और मेरे चैनल को शेयर भी करिए। तो विदा लेने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस इज एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली, बिफोर टेकिंग ट्रेड प्लीज टेक एडवाइस योर फाइनेंशियल एडवाइजर।
दोस्त मेरे को विदा दीजिए कल एक अच्छा सेशन के साथ। आप लोग उम्मीद करता हूँ ट्रेड करिए, पैसा कमाइए और आपका प्रॉफिट शॉट मेरे पास शेयर करिए। तब तक के लिए विदा दीजिए दोस्त, टेक केयर, बाय बाय।